आपको इस वीडियो में ATS रेपोसिटी की ईच एंड एवरी डिटेल्स मिलेंगी। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ATS रेपोसिटी की लेटेस्ट वीडियो आपको दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार और हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रॉपर्टी की बात, जहाँ पे हम आपको नए प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, पुराने प्रोजेक्ट का रिव्यू करते हैं। इसके अलावा अगर रियल इस्टेट की कोई न्यूज़ होती है तो हम उसका यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आया हूँ वो ATS ग्रुप का प्रोजेक्ट है, ATS रेपोसिटी, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में आता है। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। ये वीडियो मैंने सेक्शन वाइज बनाया है, आपको जो सेक्शन देखना हो आप उसको क्लिक करेंगे और वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगी। ATS रेपोसिटी ATS ग्रुप की एक कंपनी है, ATS टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, वो बना रही है। इसके दो डायरेक्टर हैं, एक मिस्टर गीतांबर आनंद है, दूसरा तान्या अरोरा है। और ये जो कंपनी फॉर्म हुई थी वो 2008 में फॉर्म हुई थी। और अगर मैं ATS ग्रुप की बात करूं तो ये ग्रुप बना था 1998 में बना था, और आज तक इन्होंने करीब 10 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है। इसके अलावा इनके आज के टाइम में करीब 15 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, आपका गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा में चल रहे हैं। और अगर मैं इनके कमर्शियल की बात करूँ तो करीब 6 प्रोजेक्ट जो है इनके अनगोइंग अभी चल रहे हैं, एक दो उसमें से डिलीवर्ड हो चुके हैं। और इसके अलावा ये नोएडा के सेक्टर 152 में एक 35 एकड़ का एक क्लब बना रहे हैं, क्लब अगस्तस के नाम से। और इनका एक ATS वैली के नाम से एक इनका स्कूल भी है जो पंजाब में है। इस ग्रुप की एक विशेषता ये भी है कि इनका इन हाउस कंस्ट्रक्शन स्टाफ है सारा, ये अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कंस्ट्रक्शन ये इन हाउस करते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी को ये हायर नहीं करते। इसके अलावा आफ्टर पजेशन भी वो जो सिक्योरिटी स्टाफ है ये खुद की प्रोवाइड कराते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ ये खुद प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा इस ग्रुप की जो ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी बनती है मार्केट में। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, और अगर मैं रेरा की साइट के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था वो जनवरी 2017 में स्टार्ट हुआ था, और जो इसका पोजीशन होना है वो जनवरी 2024 में होना है। बट अभी कंस्ट्रक्शन की जो इनकी स्पीड है उसको देख के एक आइडिया लगता है कि ये प्रोजेक्ट पहले भी डिलीवर हो सकता है। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट के पूरे प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो करीब 6 एकड़ का ये पूरा प्लॉट है, जिसके अंदर बिल्डर 7 टावर बना रहा है। और टोटल टावर हाइट की बात करूँ तो इसमें 29 फ्लोर की बिल्डिंगें बन रही हैं। और जहाँ तक मैं अगर फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट में बिल्डर 2 साइज ही बना रहा है, एक 1800 स्क्वायर फीट की 3 BHK बना रहा है और एक 2400 स्क्वायर फीट का 4 BHK बना रहा है। और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैट्स की बात करूँ तो पूरी सोसाइटी में 562 फ्लैट बना रहे हैं। और जो ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्मल जो CLC के कंस्ट्रक्शन टेक्निक है वही यूज़ कर रहे हैं। और अगर मैं पार्किंग की बात करूँ तो पूरे प्रोजेक्ट में जो पार्किंग इन्होंने दी है वो कवर्ड कार पार्किंग दी हुई है। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, इंडोर आउटडोर गेम फैसिलिटी, इसके अलावा एक ये मल्टीपर्पज़ हॉल बनाने का इनका प्रोविज़न है। इसके अलावा यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक है, 3-tier सिक्योरिटी है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ 3-tier सिक्योरिटी क्या होती है। 3-tier सिक्योरिटी बेसिकली 3 लेवल की सिक्योरिटी होती है। अगर कोई आपसे मिलने आता है तो पहला उसका जो सिक्योरिटी चेक होगा वो सोसाइटी की जो मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ पे होगा। इसके बाद जब वो आपके टावर में जाएगा तो टावर के लॉबी में वहाँ पे भी गार्ड होगा, वहाँ पे प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी या उसका वेरिफिकेशन के बाद ही आपके फ्लैट पे उसको जाने की परमिशन दी जाएगी। इसके बाद आपके घर में एंट्रेंस से पहले भी वहाँ पे इंटरकॉम फैसिलिटी या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट होती है, जिससे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके पास जो आने वाला बंदा है वो कौन है।
अगर लोकेशन की बात करें तो ये जो लोकेशन है ये प्लॉट नंबर GH 12/1 Sector 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर एक प्लॉट आता है। और अगर मैं वैसे अगर लोकेशन की बात करूं तो अगर कोई बंदा सेंट्रल नोएडा की तरफ से आता है तो जो सेंट्रल नोएडा से रोड इंटर कर रही है सेक्टर वन में, उसके इंटर करने के साथ ही दूसरा प्रोजेक्ट जो आता है वो ATS रेपसोडी ही है। इधर डेस्टिनेशन से अगर इस साइड पे पहुंचना हो तो कोई कैसे पहुंच सकता है? तो अगर मैं इसको ये मान के चलूँ कि कोई पहले कालिंदी कुंज से आ रहा है तो वो इस साइड पे कैसे रीच कर सकता है? तो कालिंदी कुंज से चलने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट आइए, नोएडा सिटी सेंटर आइए, फिर 71 की जो लाइट है वहाँ तक आइए। वहाँ से दो अप्रोच बनती है। पहली अप्रोच ये है कि आप उसे बिल्कुल स्ट्रेट चलिए और करीब वहाँ से करीब 3 किलोमीटर आप चलते हैं तो परथला चौक आता है। परथला चौक से आप राइट टर्न करिएगा, FNG पे आएंगे। FNG से फिर आपको थोड़ा सा आगे जाके करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके आपको लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेने के साथ ही आप नोएडा एक्सटेंशन में इंटर करेंगे और नोएडा एक्सटेंशन में इंटर करते ही आप स्ट्रेट रहिए और मात्र करीब 100 मीटर आगे जाके आपके राइट हैंड पे प्रोजेक्ट है। एक अप्रोच तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप परथला चौक से ही स्ट्रेट चलें तो आप किसान चौक जाएंगे। किसान चौक से आप राइट टर्न करके हनुमान मंदिर तक आइए, पंचमुखी हनुमान। हनुमान मंदिर से करीब 1-1.25 किलोमीटर आप आगे चलेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड पे प्रोजेक्ट आ जाता है। और अगर मैं ये बात करूं कि अगर कोई कालिंदी कुंज से आ रहा है और 71 की लाइट से वो बिल्कुल सेंट्रल नोएडा के लिए अगर राइट टर्न कर ले तो सेंट्रल नोएडा की जो एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन है 76 वाला, वहाँ से एक रोड लेफ्ट हैंड पे आ रही है। आप उससे अगर लेफ्ट टर्न करके आते हैं तो FNG होते हुए भी आप इस प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दिल्ली में अक्षरधाम की तरफ से आ रहा है तो NH 24 से बिल्कुल स्ट्रेट उसको चलना है। इंदिरापुरम सेक्टर 62 होते हुए, प्रताप विहार होते हुए आप सिद्धार्थ विहार तक आएंगे। सिद्धार्थ विहार के पास एक नोएडा एक्सटेंशन में एंट्री के लिए टी पॉइंट बना हुआ है, वहां से आप राइट टर्न करिए और आप बिल्कुल स्ट्रेट चलिए। करीब 7 किलोमीटर आपको हनुमान मंदिर आ जाता है। हनुमान मंदिर से आपको राइट टर्न करना है, वहां से करीब 1.5-1.75 किलोमीटर आप चलेंगे तो इस प्रोजेक्ट की साइट आ जाती है। अगर साइट लेआउट की बात करूं तो ये जो साइट है वो वन साइड ओपन है। सामने से 60 मीटर की रोड जा रही है और एंट्री के साथ ही ये कमर्शियल बना रहे हैं। और जैसा कि आप लेआउट में देख सकते हैं ये करीब 4 टावर में 1 फ्लोर पे 4 फ्लैट बना रहे हैं और 3 टावर में 1 फ्लोर पे 2 फ्लैट बना रहे हैं। जिस टावर में ये 1 फ्लोर पे 4 फ्लैट बना रहे हैं उसमें इन्होंने 3 लिफ्ट दिया हुआ है और जिस टावर में ये 1 फ्लोर पे 2 फ्लैट बना रहे हैं उसके लिए उन्होंने 2 लिफ्ट दिया हुआ है और 2 स्टेयरकेस सारे टावर्स के अंदर हैं। अगर मैं फ्लैट लेआउट्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं इनका जो 3 BHK है 1800 स्क्वायर फीट का प्रॉपर एम्परर साइज 3 BHK है। और वही अगर मैं 4 BHK की बात करूं तो 2400 स्क्वायर फीट में इन्होंने बहुत ही प्यारा लेआउट बनाया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कितना स्पेशियस ये फ्लैट है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो देखिए रियल एस्टेट में प्राइस कोई फिक्स प्राइस होती नहीं है, ये वेरी करती रहती है, समय के अकॉर्डिंग वेरी होती है। तो आप ये वीडियो कब देख रहे हैं वो उसका कुछ आइडिया है नहीं, तो उस टाइम इस प्रोजेक्ट का रेट क्या चल रहा है या फिर रीसेल का रेट क्या चल रहा है या फिर रेंट वैल्यू क्या चल रहा है, इसके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप या तो आप स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मैंने एक लिंक छोड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जाके अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। आपको वहाँ से कोई एक्सपर्ट कॉल आएगी और आपको जो करंट रेट होगा चाहे वो बिल्डर का रेट की बात हो या फिर रीसेल की बात हो या अगर सोसाइटी कंप्लीट हो चुकी है तो रेंट की बात हो तो आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस मिल जाएगी। अगर आप ATS रेपोसिटी में फ्लैट देख रहे हैं तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू इस प्रोजेक्ट के बारे में दे दूंगा जो एक आपको डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्पफुल हो सकता है। पहले इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि अगर मैं सेंट्रल नोएडा से बात करूं तो वहाँ की जो रनिंग मेट्रो स्टेशन है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 11 जुलाई 2020 को वीडियो बन रही है, तो आज के टाइम में जो वहाँ पर रनिंग मेट्रो है उसका जो यहाँ से डिस्टेंस है वो करीब 7.5-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जो फ्यूचर में मेट्रो आने वाली है जो कि सेक्टर 4 किसान चौक पे उसका मेट्रो स्टेशन बनेगा उसका जो इस प्रोजेक्ट से डिस्टेंस पड़ेगा वो हार्डली 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेट्रो के हिसाब से भी इसकी लोकेशन अच्छी है। FNG इस प्रोजेक्ट से करीब 0.5 किलोमीटर के डिस्टेंस से है। और अगर मैं कमर्शियल डेवलपमेंट की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट से जो नियरेस्ट मॉल जो फ्यूचर में बनने वाला है इस प्रोजेक्ट से जस्ट अपोजिट ही बन रहा है, वो आपका स्पोर्ट सिटी के अंदर मॉल बन रहा है, वो बिल्कुल रोड क्रॉस करके ही एक मॉल बन रहा है। इसके अलावा करीब 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भूटानी ग्रुप का मॉल बन रहा है जो ग्रैंडथम के नाम से बन रहा है। और जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पूरा जो कमर्शियल हब बनने वाला है गौर सिटी से लेके एक मूर्ति तक वो भी यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और आज के टाइम में जुलाई 2020 में जो गौर सिटी का मॉल है ऑलरेडी ऑपरेशनल है वो भी इस प्रोजेक्ट से करीब 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है।
और इस प्रोजेक्ट को कंसीडर करने की एक जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है एटीएस की ब्रांड वैल्यू। आज के टाइम में मार्केट के जो एटीएस की ब्रांड वैल्यू एज कम्पेयर टू अदर्स बिल्डर्स, इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी है कि इसका जो कस्टमर का जो रिटेंशन होता है काफ़ी होता है। जो एटीएस में बंदा एक बार प्रॉपर्टी खरीद लेता है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपने साथ लोगों को एटीएस से जोड़ने के लिए बोलता है। और एक जो इस प्रोजेक्ट की यूएसपी ये है कि नॉर्मली जो रीसेल होती है किसी भी प्रोजेक्ट में रीसेल बिल्डर के रेट से थोड़ा सा कुछ 200-400 रुपये पर स्क्वायर फीट कम होती है, बट नॉर्मली मैंने देखा है कि एटीएस की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं रीसेल में उसकी जो वैल्यूज़ होती है वो जो बिल्डर के रेट से या तो उसके बराबर होती हैं या तो हायर होती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एटीएस में जो इन्वेस्टमेंट होती है एक अच्छी रिटर्न देती है। इसके अलावा बिल्डर की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इनकी जो टीम है कंस्ट्रक्शन की वो इन हाउस है, तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होती है एवन क्लास की होती है, फिनिशिंग एवन क्लास की होती है। और मैं बात करूं आफ्टर पोजेशन सर्विसेज की, तो इसमें से मेनली जो आपका मेंटेनेंस स्टाफ है या फिर इनका सिक्योरिटी स्टाफ है ये एटीएस का इनहाउस है, तो आपको जो पोस्ट पोजेशन जो सर्विस मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो ये थी एटीएस रेप्सोडी के बारे में कंप्लीट डिटेल। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा फ्यूचर में और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।